बाबा जो कि सुप्रीम सीड है, सुप्रीम बीज, मुझ आत्मा को मेरे ही करीब कैसे लाते हैं? जी मेरे ही सत्य के करीब लाते हैं। अपने पास लाकर इसीलिए बाबा ही होम है, घर है, उसका सत्य ही आत्मा का सत्य है। अपने सत्य को पहचानना इज टू बी होम। ने बहुत क्लियरली कहा है, बाप को याद करना मतलब घर को याद करना। बाप को याद करना मतलब अपने सत्य को पहचानना।
बाबा आए ही इसीलिए। आए मतलब क्या? कहीं दूर से नहीं। अगर हमने जो देखा है, देह को सेंसेशंस के रूप में अनुभव करते हैं, मन को साउंड वेव्स की रूप में अनुभव करते हैं, तो कॉन्शियसनेस के अलावा कुछ भी नहीं। मटेरियल वर्ल्ड बिल्कुल अलग। मैटर भी एक एनर्जी ही है। अभी भी देखें बीज और झाड़ में क्या फर्क है।
बीज का नेचर झाड़ का नेचर नहीं है आज, फर्क है। झाड़ है बॉडी और माइंड। बीज है कॉन्शियसनेस। सुप्रीम कॉन्शियसनेस के साथ अटैच्ड। बीज का नेचर स्वाभाविक रूप से साइलेंस है, एकदम साइलेंट। उसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटी है, जब देह को सेंसेशंस के रूप में अनुभव करते हैं तो बहुत इजी होता है। बीज के अंदर वो वाइब्रेशंस हैं, उसको पिघाल के अंदर देखें बीज के।
अनुभव से। जैसे शुगर का क्यूब होता है ना, उसको पानी में मिला देते हैं तो उसका अपना अलग अस्तित्व खत्म हो जाता है। ऐसे देह जैसे एक क्यूब है, शुगर क्यूब, उसको सत्य में देखो है क्या। कुछ सॉलिड नहीं है, कणे के रूप में देह दिखती है। पर जितना मैं उसको अपने बीच के सत्य को जानकर परमात्मा के साथ कंबाइंड स्वरूप में जैसे मुझे कॉन्शियसनेस के अंदर सारी सेंसेशंस वापस वाइब्रेशंस के रूप में मर्ज हो रही है। साइलेंस में सब कुछ मर्ज हो रहा है वापस। पर मन भी है, वो जैसे शाखाएं हैं, संकल्प की शाखाएं।
और एक-एक शाखा पर टहनियां हैं। फीलिंग्स, इमोशंस, वो फिर पैदा करते हैं रंग बिरंगे पत्तों को, मूड्स, मेमोरीज। पर इसको भी पिघाल देते हैं और इसको भी पिघालते हैं तो सब सिर्फ साउंड वेव्स हैं। और उसको भी पिघाल देते हैं तो वो भी सिर्फ वाइब्रेशंस हैं। और ये सब कॉन्शियसनेस के अंदर है। इसीलिए बाप को याद करना मतलब घर को याद करना। घर पहुंच गई मतलब अपने उस बीज रूप को जान लिया।
सा भी पर अपने अंदर समा लेता है बीज। बाबा के साथ इस जगह से मैं फील करती हूं, बाबा के साथ फ्रॉम दिस प्लेस उसकी सोच को अपना बनाती हूँ, एक्ट करती हूँ इस जगह से। इस जगह से दूसरे बीज के साथ भी रिलेट करती हूँ। जैसे जैसे यही सत्य में मुझे अपना ये पूरा सत्य लगने लगता है, आई एम होम। So to feel from this place, to think from this place, to act from this place, to relate from this place, you have come back home.
तो बीज महसूस कर रहा है, सारी पिघली हुई सेंसेशंस को, वाइब्रेशंस को, कितनी एक्टिविटी चलती है अंदर। जैसे बीज के अंदर चुरपुर चुरपुर होता ही रहता है, पर बीज का नेचर कितना ब्यूटीफुल, स्वाभाविक रूप से साइलेंस, अब भी जब अपने आप को मैनिफेस्ट करता है, व्यक्त होता है, परमात्मा की मत के अनुसार, सेंसेशंस को फील करती है आत्मा। पर किसी सेंसेशन को लेबल नहीं लगाती, ये है परमात्मा की मत। क्योंकि बाबा की मत में लेबल नहीं है, सिर दर्द, पैर दर्द, ये बाबा की मत नहीं है। हाँ, चेंज ऑफ सेंसेशंस, यस, इट्स ओके, वाइब्रेशंस। करना है वो करेंगे, जो जरूरत है वो करना भी है देह के लिए। पर चेस्ट में गांठें महसूस हो रही हैं, स्टिफनेस महसूस हो रही है, स्टिफनेस की भाषा, दर्द की भाषा, टाइटनेस, हार्डनेस, लाइटनेस, हैवीनेस, ये बाबा की मत नहीं है। वाइब्रेशंस का कोई वेट होता है क्या, लाइट या हैवी? थॉट्स का वेट कभी देखा है क्या? लाइट होते हैं क्या थॉट्स, और हैवी होते हैं क्या? कभी वे किया है?
वजन किया है वजन। कभी हाथ लगाया है संकल्प? देखो तुम हाथ लगा के जरा, ये हाथ संकल्प को हाथ लगा सकते हैं? कितना भारी है, कितना हल्का है। सिर भारी हो गया। अच्छा वजन बताना जरा। तो जब बीज एक्सप्रेस करता है ना, बहुत क्रिएटिविटी के साथ करता है। कलाकारी होती है जहां सत्य है। इसीलिए बाबा कहते हैं क्रिएटर, कविता का शब्द है ये, पोएटिक। जस्ट बीइंग दैट बीज एंड नोइंग कि मैं ही सत्य हूं। कोई भी मेरे अंदर की चुरपुर मेरे सत्य को नहीं बदल सकती। इसीलिए कोई अनुभव जो अंदर चल रहे हैं उस बीज को बेटर या वर्स नहीं बना सकते। इसलिए अगर अंदर साउंड वेव्स में, इसीलिए तो थॉट्स भी एक फॉर्म है। आत्मा फॉर्मलेस, थॉट्स एक फॉर्म है। जब थॉट फॉर्म बोलता है, जिसको मन समझता है,
शरीर बहुत भारी भारी हो रहा है। अब जो बीज है उसकी अंदर जैसे पिघल के अंदर आ जाए, क्या होता है भारी सेंसेशंस को भी नहीं कर सकते, वाइब्रेशंस को वे नहीं कर सकते, ये सिर्फ कंडीशनिंग मन की, पुराने मान्यताएं, मन बीजों की खुद एक बहुत स्थूल रूप है, फॉर्म है। वाइब्रेशंस ही देख रहे हैं कैसे ये मान्यताएं जो सिर्फ एक वाइब्रेशन से कैसे कैसे अलग अलग अनुभव क्रिएट करते हैं। और ब्यूटीफुल है ये मैनिफेस्टेशन, कुछ गलत नहीं है इसमें। अब 10 मिनट बिल्कुल साइलेंस में बैठेंगे। कौन? लिविंग बीइंग, कॉन्शियंट सीड, लिविंग सीड। इस मैनिफेस्टेशन को वाइब्रेशंस के रूप में देखेंगे। देखेंगे मतलब आत्मा जो बीज है महसूस करती है, तो सेंसेशन से स्टार्ट, कोई भी संकल्प, दूसरे थॉट्स, दूसरी फीलिंग्स आए, वेव्स है, साउंड वेव्स। ज्यादा मीनिंग नहीं देना अभी, तो जो वृक्ष पहले पर्सनल सेल्फ की मान्यता को सर्व कर रहा था, सेवा कर रहा था उसकी, अब वो ही वृक्ष सत्य और प्रेम की सेवा करेगा। मर्ज होके नया पैदा हो गया है। तो परमात्मा की सेवा में होगा।
तो मर्ज और इमर्ज का खेल चल रहा है अभी। बीज बो के वो ही है पर मर्ज हो रहा है पुराना और नया इमर्ज। तो मर्ज के लिए सेंसेशंस को देखना है साक्षी होकर। होकर क्या, बीज होता ही साक्षी है। बाबा के साथ सारे अनुभव हो रहे हैं। और संकल्प आए तो साउंड वेव्स बस।
बीज रूप में रहना मुश्किल नहीं, क्योंकि वो आपका स्वरूप है स्वाभाविक। कंबाइंड कोई मुश्किल नहीं। वो तो है ही कंबाइंड, बाकी तो सब सेंसेशंस हैं और वाइब्रेशंस हैं आत्मा के अंदर ही। फॉर्म कुछ भी दिख रहा हो, सॉलिड एकदम बॉडी का, संकल्पों का, है तो सिर्फ सेंसेशंस और वाइब्रेशंस। तो फिर सत्य क्या है? सिर्फ कॉन्शियसनेस, लिविंग कॉन्शियंट सीड। चैतन्य कॉन्शियंट बीज, थॉट के फॉर्म्स आएंगे, जिसके थ्रू कभी कभी देखना भी होगा, जिससे बॉडी सॉलिड भी लगेगी। बट बिना टाइम के, टाइम के परे, बीइंग, जिस मोमेंट रियलाइज हुआ, समर्ज अंदर ही तो है सब, मुझ लिविंग बीइंग के, लिविंग सीड के। देख रहे हैं झाड़ की टहनियां पत्ते कैसे रेफरेंस पॉइंट बन जाते हैं, मैं कौन हूं का। अब बीज का साइलेंट सत्य, लविंग स्वाभाविक नेचर, वो मुझ आत्मा का सत्य, हर आत्मा का सत्य, हर बीज का सत्य, बाकी सब काल्पनिक है मन के अंदर। अब देखिए वापस 2 मिनट, महसूस करें, कल्पना को वाइब्रेशंस के रूप में,
कल्पना ये तो नहीं कह रही फॉर्म के रूप में। बहुत देर से बैठे हैं, पैर सूख गया है। साउंड वेव्स, सुप्रीम बीच, मास्टर बीच, और बीच के अंदर की चुरपुर बस। चैतन्य बीच।